जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन खबरें आपको छत्तीसगढ़ से इसी प्रकार से मिलती रहे। आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जो है हरे चावल की खेती का मामला निकल कर सामने आ रहा है। कृषि विभाग ने जैविक उत्पादन के लिए यह तैयारियां शुरू कर दी है। विदेशों में इसकी अच्छी खासी डिमांड बताई जा रही है। कृषि प्रधान जिला बालोद आधुनिक कृषि के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाने जा रहा है। जिले में काला एवं लाल चावल की सफल खेती के बाद कृषि विभाग अब हरे चावल की खेती करने की तैयारी में शुरू कर दी गई है। गर्मी फसल के बाद बारिश पे हरे चावल की खेती करने की योजना बना ली गई है। यह खेती किस ब्लॉक में शुरू होगी, इसके लिए जगह का चयन नहीं हो पाया है फिलहाल। संभवतः कृषि विभाग गुरूर ब्लॉक से ही हरे चावल की खेती शुरू कर सकती है। प्रदेश में हरे चावल की खेती पहली बार दुर्ग जिले में हुई है। तब इस जिले के किसान के एक नई खेती की थी, जिसके बाद से पूरे प्रदेश भर में यह किसान सुर्खियों में आ गया था। दरअसल ये जो हरा चावल है, ये पूरी तरीके से हरे कलर का रहने वाला है। बात करते हैं राजिम माघी पुन्नी मेले के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि महामारी हमारे बुरे कर्मों का फल है, दुराचार बढ़ा, इसीलिए वायरस प्रलय के रूप में आया है। गरियाबंद जिले में यह लगभग 15 दिनों का राजिम माघी पुन्नी मेला आयोजित है, जहां पर बीते दिन डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, पहुंचे हुए थे। गृह मंत्री तामधर साहू ने इसकी घोषणा की है कि अलग से जो है यहां पर धर्मस्थ न्यास का संचालनालय बनने जा रहा है। दरअसल गरियाबंद जिले में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महामारी समाज के बढ़े व्यभिचार, अत्याचार और दुराचार का नतीजा है। बुरे कर्मों की वजह से प्रलय के रूप में यह वायरस आया है। उनका कहना है कि इसको लेकर के लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वहीं अध्यक्ष ने एक बार फिर से यह बात कही है कि राजिम माघी पुण्य मेले के शुभारंभ अवसर पर राजिम के मुख्यमंत्री से ये बातें कही हुई है। इसके अलावा गृह मंत्री तामधर साहू के घोषणा के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। एक हफ्ते में 45 रुपये एक जो कि सिलेंडर है, ये महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। शहर में 860 रुपये में ये जो गैस सिलेंडर है मिल रहे हैं। दो माह में लगभग 150 रुपये की वृद्धि शासन द्वारा करी जा चुकी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ गई है केवल दो महीनों में 150, और पिछले एक हफ्ते में सिलेंडर गैस की कीमतों में 45 रुपये तक का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 3 महीने में लगातार 7वीं बार LPG गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी है। सिलेंडरों की कीमतें जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से खातों में जमा होने वाली सब्सिडी लगातार कम होती जा रही है। घरेलू सिलेंडर इसी हफ्ते गुरुवार को 25 रुपए महंगा हो गया है। कुछ दिन पहले लगभग 840 रुपए में बिकने वाला यह सिलेंडर अब लगभग 860 रुपए में मिलने लगा है। गैस एजेंसी के संचालकों का कहना है कि अभी कॉमर्शियल गैस 80 रुपए प्रति किलो और घरेलू गैस लगभग 61 रुपए प्रति किलो पड़ रहा है। अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। 1 मार्च से आम लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आज से इसका अभियान जो है शुरू होने वाला है। दरअसल निजी अस्पतालों में प्रति डोज इसके लिए 250 रुपये जो है चार्ज करने जा रही है। राजधानी में आज से, यानी कि पूरे प्रदेश भर में आज से आम लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए पहले चरण में आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल और आरोग्य अस्पताल शंकर नगर को चुना गया है। जिन्हें टीके लगने हैं, उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग 45 साल या अधिक उम्र के ऐसे लोगों का है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, और दूसरा वर्ग सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल या उससे अधिक के लोगों का है। दोनों ही सेंटरों में शासन से मान्य पहचान पत्र लेकर जाने के लिए कहा गया है। टीका लगाने के लिए मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होने वाली है। जिन लोगों को महामारी का जो टीका है मुफ्त लग गया है, उनके बारे में केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। उसी आधार पर शुक्रवार को, यानी कि आज से जो है शुक्रवार को जो है, माफ कीजिएगा, राजधानी के 2 सेंटर जो है तय किए गए थे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह, निकाह और मैरिज के लिए संगम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 3,229 जोड़ों की शादी इस पर की गई है। सीएम ने इस सुपोषण का 8वां वचन जो है लिया हुआ है।
रायपुर, रायगढ़, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर और दुर्ग जिलों में यह सामूहिक विवाह बीते दिन संपन्न हुआ है। रायपुर के कार्यक्रम में जो है शामिल जो है मुख्यमंत्री हुए थे। इसके अलावा अन्य जिलों के जोड़ों को ऑनलाइन जो है आशीर्वाद ये जो है देते हुए दिखाई दिए हैं। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शनिवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत इसके तहत जो है सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लगभग 3,229 जोड़ों की शादी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे और सात वचनों के साथ परिणय सूत्र में बंधे जोड़ों को आठवां वचन भी लिया। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर दूल्हों से कहा कि मैं आपसे सुपोषण का वचन ले रहा हूं कि आप अपने पत्नी और पूरे परिवार के पोषण पर ध्यान रखेंगे। जब महिलाएं सुपोषित होंगी तो बच्चे भी सुपोषित होंगे और हम कुपोषण की समस्या को जड़ से मिटा सकेंगे। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ मजबूत होगा और ये जो है इस कार्यक्रम के तहत एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 3,229 जोड़ों की शादी एक साथ एक ही कार्यक्रम के दौरान हुई थी। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार बदलते हुए मौसम के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो गर्मियां हैं बढ़ने लगी है, लगातार बढ़ रहा जो दिन का पारा है वो दिखाई दे रहा है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। राजधानी समेत प्रदेश में अब गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं रात के तापमान में भी आंशिक रूप से बढ़ोतरी की जा रही है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। वहीं शनिवार को राजधानी रायपुर में दिन का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 36.5 डिग्री रहा, जबकि सबसे कम अंबिकापुर में 14.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा के अनुसार उत्तर पश्चिम से शुष्क और गर्म हवाएं आ रही है, इस कारण से प्रदेश में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ोतरी की हो रही है। फिलहाल आगे कुछ दिनों तक ऐसे ही वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने प्रदेश के मौसम को शुष्क रहने की संभावना जताई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी को भी जरूर से इनेबल कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें आपको लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। बंगाल के रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उतर चुके हैं। कोलकाता रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए हुए हैं। माकपा, कांग्रेस, ISF संगठन गठबंधन को तीसरा विकल्प इन्होंने बताया है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में यह रैली का आयोजन किया गया था। रैली के बाद शाम को रायपुर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री लौट आए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सक्रियता राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। असम विधानसभा चुनाव की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी कूद पड़े हैं। बघेल रायपुर से कोलकाता के लिए रवाना हुए थे। वे वहां ब्रिगेड मैदान में आयोजित माकपा, कांग्रेस और ISF यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट गठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित किए चुके हैं। चिट फंड धोखे में एक पूरी तरीके से पूरा का पूरा गांव जो है डूबता हुआ दिखाई दिया है। नवा रायपुर से लगे रसनी के 450 परिवारों में से 395 के लाखों रुपए डूब चुके थे। किसी को पैसे वापस नहीं मिले तो किसी को लगातार जो रकम है वापस मिलती हुई सरकार द्वारा दिखाई दे रही है। सरकार ने जो है रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। 16,000 लोगों को लगभग 7,50,00,000 रुपए बांट दिए है, 7,50,00,000 रुपए बांट दिए है। 3,50,000 बाकी है। इसके अलावा उनमें से ऐसे ऐसे पीड़ित है जो कि अभी तक इनका दर्द का अंदाजा है नहीं लगा सकते हैं। रायपुर के जयस्तंभ चौक से लगभग 32 किलोमीटर दूर और नव रायपुर की सीमा से लगा नेशनल हाईवे पर बड़ा जो बसा गांव है वो यहां पर रसनी है। 450 परिवारों की इस बस्ती में 395 से ज्यादा परिवारों की खून पसीने की कमाई चिटफंड कंपनियों के माध्यम से डूब गई। किसी के 1,000 तो किसी के 10,00,000 रुपए तक डूबे हुए हैं। अब इनको जो है सरकार लगातार थोड़ी थोड़ी रकम वापसी कर जा रही है। बात कर लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। कृषि और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद जो है छत्तीसगढ़ में लोगों की कमाई जो है कम होती हुई दिखाई दे रही है। अर्थव्यवस्था की सेहत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। विधानसभा में 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। इस वर्ष लगभग जो है छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति की आय जो है 1,04,943 रुपये रहने की अनुमान जो है जताई गई है। पिछले साल 1,05,089 रुपये थी, जो कि अब घट करके 1,04,943 रुपये पर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ के योजना, आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को विधानसभा के पटल पर रखा। इसमें सामने बात ये आई कि महामारी काल में भी कृषि और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के लोगों की आय में गिरावट
हुई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भी नकारात्मक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक थोड़ी सी राहत वाली बात हो सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में आए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,04,943 रुपए अनुमानित है। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 1,05,000 रुपए 89 रुपयों से कम है। और ये जो सर्वेक्षण है इस पर यह बात का पता लगाया जाता है जिसके बाद से जो सरकार है अपना बजट पेश करती है। जानवर और इंसान के बीच लगातार संघर्ष दिखाई दे रहा है। सारंगढ़ की बस्तियों में घुसी हथनी और उसका बच्चा, इसके हमले से एक युवक की मौत हो चुकी है। 3 दिनों में 2 लोगों की जान इस हथनी और इसके बच्चे ने ले ली है। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ और जांजगीर जिले के ग्रामीण इलाकों में हथनी और उसका भटक रहा बच्चा ये जो है दिखाई दे रहा है, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। एक सप्ताह में कई हिस्सों से जो है फसलों को लगातार ये जो हथनियाँ हैं नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहले महासमुंद में ये जो वन्य जीव थे पाए गए थे, इसके अलावा ये जो है आगे बढ़ते बढ़ते रायगढ़ जिले तक इनकी दस्तक हो चुकी है। पूर्व मंत्री का एक बयान निकलकर सामने आ रहा है। अमर अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के लोगों को पता है इनकी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी, इसलिए ये अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर रहे हैं। दरअसल बिलासपुर में सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो के जरिए इन्होंने सरकार को घेरा है, उपेक्षा करने के आरोप भी लगाए हैं, कहा है कि वादे करके भूपेश सरकार भूल गई है। दरअसल बिलासपुर से विधायक और छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार में मंत्री रहे अमर अग्रवाल ने मौजूदा कांग्रेस सरकार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। अमर अग्रवाल का कहना है कि जब जनता के बीच जाते हैं तो उनसे जनता उसे कहती है कि कांग्रेस पार्टी को खुद यह बात पता नहीं है कि वह दोबारा छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने वाली है, इसलिए कांग्रेसी नेता और सरकार के लोग अपने एजेंडे को पूरा करने में लगे हैं। यह बातें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने सोशल मीडिया के लाइव के प्रसारण के दौरान कही हुई है। प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण पर सरकार पर तकरार निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि राज्य विद्युत मंडल को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। इस पर सीएम का पलटवार आया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे सिगुफा छोड़ा ये ऊंच के विचार है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के प्राइवेटाइजेशन की खबरों का सरकार ने खंडन किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन अंकित आनंद का कहना है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार के पास नहीं है। छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए ये बातें कही कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को अब निजी हाथों में देने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार के खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है। एक तरफ तो यह सरकार नगरनार प्लांट के निजीकरण का विरोध कर रही है, तो वही दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को निजी हाथों में देने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी से सवाल उठाते हुए कहा गया है कि सरकार का यह कैसा दोहरा मापदंड है, मुझे तो समझ नहीं आता। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ऐसा बयान निकलकर सामने आ रहा है। चावल पर लगातार सियासत गरमाई हुई है, जो कि अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि बोनस में अगर सरकार जो है 1 रुपए भी देती है तो चावल जो है ये जो है सरकार से नहीं लेने वाले हैं। इस पर भूपेश बघेल का जवाब आया है कि योजना तो जारी रहेगी, इस पर प्रधानमंत्री से बात करेंगे। दरअसल केंद्रीय खाद्य मंत्री गोयल और सीएम भूपेश के बीच जो है गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम भूपेश बघेल को 2 टूक कह दिया है कि आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पर किसानों को धान का बोनस दे रहे हैं, इसलिए 1 दाना चावल नहीं खरीदेंगे। इस पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि किसानों के हित में हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं बंद करेंगे, इस मामले में अब सीधे प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतिदिन खबरें आप तक सीधे